कृष्ण में पहला प्रश्न था, समस्त जीवों के लिए सबसे ऐसा काम कौन सा है जिससे सबका कल्याण हो? उत्तर में बताया भक्ति। और दूसरा प्रश्न था भक्ति कैसे, भक्त उस प्रश्न में आया कि भक्तों का संग होना चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि भक्ति भक्तों के लक्षण क्या है, तो उन्होंने तीन तरह के बताया, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। ठीक है ना, जो अभी भी भक्ति में जुड़ा है, भगवान को सम्मान करता है ना, और भगवान के विग्रह की पूजा करता है, मंदिर जाता है, वो है कनिष्ठ भक्त। क्यों? सब करता है पर वो भक्तों को सम्मान नहीं देता, उसको नहीं पता कि भक्त कौन है, ये भेद नहीं कर पाता। मध्यम वो है जो भक्तों को समझता है, और जो भक्त नहीं है उनको भी समझता है, भगवान को भी समझता है। जो भक्त नहीं है उनको भक्ति देने का प्रयास करता है, उनकी मदद करता है। उत्तम वो है जिसको ये लगता है कि मैं ही भक्त नहीं हूँ, बाकी सब भक्त है, वो कौन है? उत्तम भक्त। इसके बाद तीसरा प्रश्न है माया के बारे में, माया कौन है, क्या है? तो बताते हैं कि माया जो है वो तीन गुणों से हमें जकड़े हुए है, कंट्रोल करती है, वो है माया। और फिर बताते हैं कि जो कर्मी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो फूलिश पीपल है, मेटेरियलिस्टिक, जो कर्म में फंसे हुए हैं, वो क्या करें? तो बताया वो साधना भक्ति करें, एक प्रमाणिक गुरु के आदेश में, उसके दिशा निर्देश में क्या करें? साधना भक्ति करें। ठीक है, पांचवा प्रश्न था भगवान के दिव्य रूपों के बारे में बताइए, तो उन्होंने उसके उत्तर में, उनका प्रश्न था कि परमात्मा, ब्रह्मन, भगवान के बारे में बताइए, तो परमात्मा और ब्रह्मन के बारे में उन्होंने बताया पिपलायन जी ने। भगवान पहले भी बता चुके हैं, वर्णन बार बार आता है इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं, भगवान के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकलता है वही ब्रह्मन है, और सब जगह फैला हुआ है। और भगवान जो क्षीरोदर्शाई विष्णु के रूप में कणकण में हर जीव के हृदय में निवास करते हैं, वही परमात्मा है। ठीक है, और जो जिनके शरीर से वो प्रकाश निकल रहा है वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद, वही गोविंद स्वयं भगवान है, सुप्रीम भगवान वही गोविंद है। तो जो तीन स्तर में, प्रथम अध्याय भागवत की शुरुआत में भी बताया, बार बार बताया, तीन स्तर में भगवान को समझा जाता है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। जो सबसे ज्यादा जो भक्ति करेगा, सर्वश्रेष्ठ जो साक्षात्कार भगवान का है, वो भगवान को साक्षात देखना, भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान हंसते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान नाचते हैं, वो जो भगवान का रूप है वो सबसे श्रेष्ठ साक्षात्कार है। इसके बाद कर्मयोग के बारे में छठवां प्रश्न किया, जो छठवें ऋषि आविर्होत्र ने जिसका उत्तर दिया कि कर्मयोग में व्यक्ति कैसे भी करके कर्म के बंधन को काटता है, जो कर्म करे उसका फल कृष्ण को अर्पण करने की प्रयास वो करता है। भक्ति योग में व्यक्ति कर्मयोग में वो कर्म करेगा और उसका परिणाम किसको अर्पण करता है? भगवान को। लेकिन भक्ति योग में तो कर्म ही वो भगवान के लिए करता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है ना। जैसे जॉब कर रहा है उसका रिजल्ट भगवान की सेवा को अर्पण करेगा, और भक्ति योग में वो जॉब कर रहा है तो सिर्फ भगवान के लिए कर रहा है, कुकिंग कर रहा है तो भगवान के लिए कर रहा है। दो चीजों में फर्क है, हमें खाना है तो भोग लगा के खाएंगे, एक तो भाव ये है, एक भाव है कि कृष्ण है तो वो भूखे होंगे तो खाएंगे ना कुछ, पता चला आप तो गए भंडारे में खाया है तो फिर आज भगवान को भोग नहीं लगेगा क्या? तो वो जो सेवा जो भी वो कर रहा है वो किसके लिए करता है?
वो भक्ति है। कर्म में होता है कि भगवान को वो अपना जो भी उसका परिणाम है का रिजल्ट है वो देने की कोशिश करता है। सातवां प्रश्न में मैं पूछा है भगवान के पर्सनल, मतलब भगवान के पर्सनल फीचर्स के बारे में बताइए, है ना, कि भगवान के लीला कैसे करते हैं। तो फिर उसके उत्तर में जो है जो सातवें ऋषि द्रुमिल, उन्होंने भगवान के गुणावतार, गुणावतार वही है ब्रह्मा विष्णु शिव, ये भगवान के गुणावतार है। तो इन गुणावतारों का वर्णन किया और बाद में भगवान के पुरुषावतारों का वर्णन किया। पुरुषावतार कौन है? कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तो याद हो जाना चाहिए, कई बार आ चुका है ना। भगवान के उस दिन बताया था कि भगवान के अवतारों को हम नहीं गिन सकते कि कितने हुए, जिस तरह से समुद्र की लहरों को नहीं गिन सकते उस तरह से हम भगवान के अवतारों को भी नहीं गिन सकते कि नंबर में कि 10 है कि 12 है कि 24 है कि 26 कि 28 कितने नहीं। पर भगवान के अवतारों को आप 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। गुणावतार, पुरुषावतार, लीलावतार, मन्वंतर अवतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार, कौन बताएगा? गुणावतार, पुरुषावतार, लीलावतार, युगावतार, मन्वंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार। गुणावतार वो है जब भगवान प्रकृति के तीन गुणों को चलाने के लिए तीन अवतार लेते हैं। सतो गुण को चलाने के लिए विष्णु, रजोगुण को चलाने के लिए ब्रह्मा, तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए शिव, है ना। इसीलिए रजोगुण से सृष्टि होती है तो ब्रह्मा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सतोगुण से मेंटेनेंस होता है, स्थिति, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तो मेंटेनेंस किससे होता है? सतोगुण से, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? विष्णु। तमोगुण को कंट्रोल कौन कर रहा है? शिव, है ना। तो सबसे कठिन जो काम है वो मेंटेन करना, घर बना लिया आसान था, तोड़ना है और आसान है, सालों साल वही सुंदरता वही सफाई मेंटेन करना है सबसे कठिन, शादी कर ली आसान, तलाक देना और भी आसान, उसको जिंदगी भर निभाना मेंटेन करना सबसे कठिन। कोई भी चीज है, किसी भी जगह आप देखेंगे क्रिएशन, किसी चीज को बनाना आसान है, उसके लिए रजोगुण चाहिए, है ना, पैशन। जो व्यक्ति में ज्यादा रजोगुण होगा उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, नई नई चीजें बना के लाएगा, जिसमें तमोगुण होगा वो बर्बाद ही करेगा। और मेंटेन कौन कर सकता है? जो सत्वगुण में होगा। तो मेंटेन करने के लिए आपको सत्वगुण चाहिए, सत्वगुण के लिए आपको कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से गुणावतार, फिर दूसरा पुरुषावतार में तीन पुरुष सृष्टि की रचना के लिए, कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, फिर मन्वंतर अवतार। हर मन्वंतर में भी आठवें स्कंद में बताया, हर मन्वंतर में एक अवतार आता है उस पूरे मन्वंतर की सरकार को ओवरऑल देखने के लिए, सब सही चल रहा कि नहीं, मन्वंतर अवतार, ठीक है। युगावतार में हर युग में एक अवतार होता है, उसे कहते हैं युगावतार। हर युग में संभवामी, हर युग में जो अवतार होता है उसे कहते हैं युगावतार। इसके बाद भगवान कभी कभी, चार हो गए, सर, भगवान कभी कभी अपनी कोई एक शक्ति किसी एक व्यक्ति को, जीव को देते हैं और वो उस शक्ति से वो काम करता है, इसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। भगवान ने अपना एक आवेश, एक शक्ति उसको आवेशित कर दी है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हाँ, जैसे व्यास देव को शास्त्र लिखने की शक्ति दी, है ना, पृथु महाराज, परशुराम, ठीक है, फिर है पांच हो गए, फिर है लीला, कुछ नहीं है भगवान
लीला करना चाहते हैं, विहार करना चाहते हैं, इसलिए स्वयं अपनी इच्छा से कभी भी कहीं भी उनकी इच्छा जहां होगी लीला करने के लिए अवतार लेंगे। ये 6 अवतार, 6 तरह के अवतार है ना। इसके बाद आठवां प्रश्न पूछा कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते उनका क्या होगा, तो इसका उत्तर चमस ऋषि ने दिया कि जो बेचारे अज्ञानी हैं, जिनको जानकारी नहीं, आज तक ज्ञानी नहीं मिला, उन पर तो दया करनी चाहिए। दया कैसे करनी चाहिए, इस तरह का सत्संग करिए, उनको बुलाइए, उनको कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण प्रसाद दीजिए, इस तरीके से आप उनका भी। लेकिन जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत मुश्किल है। वो लोग जिस भी स्थिति में होंगे, अगर जानते हैं तो उससे उस ज्ञान की स्थिति से भी उनका पतन हो जाएगा, उनका क्या होगा, पतन, वो पतन की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर अगला प्रश्न आता है कि 9वां प्रश्न कि हर युग अवतार के बारे में बताया ना, अब हर युग में भगवान किस रंग को, मैं भगवान हर युग में आते हैं तो उनका किस युग में कैसा रंग होता है, किस रूप में आते हैं, और उनको पूजा, उनकी भक्ति करने का विधि क्या है, उनके नाम क्या है, इस तरीके से एक प्रश्न आया। तो इसके उत्तर में वो हर युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सबके बारे में बताएंगे करभाजन ऋषि कि कैसा भगवान का रंग होता है, रूप होता है, कैसे उनकी पूजा होती है, क्या उनके नाम होते हैं, और एक चीज और बताएंगे कि उस युग के लोग कैसे होते हैं। तो बताते हैं कि सतयुग में भगवान का रंग श्वेत 4 भुजाओं वाला और जो जटाधारी करके है ना, और पेड़ की छाल पहन के भगवान रहते हैं, या मृग की छाल पहनते हैं, ब्राह्मण धागा पहनते हैं, जपा माला रहती है, एक दंड रहता है और एक कमंडल रहता है, ठीक है। और उनको पूजा करने की विधि क्या है, तपस्या, मेडिटेशन, ध्यान, है ना, ठीक है। अंदर और बाहर दोनों तरह से कंट्रोल करके भगवान पे अपना चित्त लगाना, ध्यान लगाना। भगवान के नाम क्या हुए, हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा, ठीक है। उस युग में, किस युग में, सतयुग में, सतयुग में लोग कैसे होते थे, शांत स्वभाव के, अहिंसक, और सभी जीवों से मित्रता रखने वाले, सब तरीके से जो है समभाव रखने वाले लोग किस युग में होते थे, सतयुग में, ठीक है। सतयुग के समय में भगवान का रंग श्वेत है, पूजा तपस्या द्वारा होती है, इतना याद रख लो, उतना कर दिए। त्रेता युग में भगवान का रंग लाल होता है, 4 भुजाएं होती है, सुनहरे बाल, और भगवान जो है ज्ञान देने के लिए आते हैं, और इस युग में जो है विधि है यज्ञ करना। आपने कथा सुनी होगी महाराजा पुरुरवा की, है कि नहीं, जो उर्वशी के लिए ध्यान कर रहे थे, तो उसी समय त्रेता युग चालू हो गया, तो भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया कि त्रेता युग चालू हो गया, अभी क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, राइट। तो उस युग में, त्रेता युग में भगवान के नाम हुए विष्णु, यज्ञ, प्रश्नि गर्भ, सर्वदेव, गुरुक्रम, वृषकापि, जयंत, गुरु गया है। इस युग के लोग धर्म में निष्ठ, धर्मनिष्ठ होते थे, सत्य को फॉलो करते थे और यज्ञ करते थे भगवान की प्राप्ति के, ठीक है। तीसरा, द्वापर युग में भगवान का रंग काला और भगवान के वस्त्र येलो, पीले रंग के पीतांबर वस्त्र,
श्रीवत्स का चिन्ह उनके ऊपर और तरह तरह के आभूषण से सुशोभित रहते हैं। ठीक है, इस युग में भगवान, इस युग में जो भक्त हैं वो भगवान की पूजा विग्रह के रूप में करते हैं, पंचरात्र विधि से भगवान का विग्रह बना के उनकी पूजा की जाती है। कौन से युग में? द्वापर युग में। ठीक है, और भगवान के नाम क्या हुए? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ऋषि, पुरुष, पुरुषोत्तम, जगदीश्वर, परमात्मा। और इस युग के लोग भगवान को जानने के इच्छुक होते थे, है ना, जिज्ञासु स्वभाव के। इसके बाद आ गया, ये तो सब पुरानी बात है, इसके बाद आ गया हमारा समय, कौन सा? कलयुग। कलयुग से सब नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरि नर, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते वा नास्ते वा नास्ते वा। तो कहते हैं कि कलयुग में भगवान का रंग कैसा होगा? कृष्ण वर्णन तुसे कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षदम संकीर्तनम यज्ञ प्राय यजंति ही सुमेधसा। रंग वो है तो कृष्ण ही, लेकिन उनका रंग कृष्ण ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, इस श्लोक में सीधे भविष्यवाणी हो रही है कि कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। कृष्ण तो उनका रंग है, पर कृष्ण तो है पर उनका रंग अकृष्ण है, माने उल्टा, कृष्ण का उल्टा गौर। कैसा रंग है? गौर। कृष्ण कृष्ण तो है लेकिन उनका रंग कैसा है? गौर। कृष्ण वर्णम तुझे कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षदम, और वो अपने पार्षदों को साथ में लिए घूमते। पार्षद माने अपनी टीम, बढ़िया, टीम के साथ घूमते हैं। और विधि क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन को यज्ञ बोला गया है, गौरांगा। ठीक है, तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान होंगे, सुमेधसा माने क्या होता है? अभी कल बताया था अल्पमेधसा, गीता का श्लोक, अल्पमेधसा, मेधावी सुना है आपने? जिनका बुद्धि ज्यादा होता है ना, हमारे स्कूल, हम हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में हर दो एक महीने बाद एक लिस्ट चिपकती मेधावी छात्रों की सूची, उसमें जो हाईली इंटेलिजेंट लड़के होते थे, जो टॉप करते थे, उनकी लिस्ट आती थी। तो जो अल्प मेधसा है, कम बुद्धि वाले हैं, वो तो देवी देवताओं की पूजा करते, कितने बताए गए। यहाँ बता रहे हैं जो सुमेधसा है, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत शार्प है, वो क्या करते हैं? कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं। और किस रूप की पूजा करते हैं? गौरांग। तो कलयुग में अगर, अच्छा दूसरे तरीके से बताते, जैसे आपको दिल्ली से जाना है चेन्नई, कैसे जाएंगे? चेन्नई एक्सप्रेस से, है कि नहीं? आज से करीब 200 साल पहले आपको जाना है दिल्ली से चेन्नई, कैसे जाएंगे? उसको पता है, पहले वही चला देता है ना। तो घोड़ा होता था या बैलगाड़ी होती थी, इस तरह से कुछ साधन होते थे, लोग उससे जाते थे। कहाँ, कुछ लोग और पहले जाओगे तो लोग पैदल जाते थे, है ना। अच्छा, अब आपको भी दिल्ली जाना है, दिल्ली से चेन्नई जाना है, तो आपने सोचा मेरे दादाजी तो बैलगाड़ी से जाते थे,
उनके दादाजी भी बैलगाड़ी से जाते थे, तो जब मेरा पूरा खानदान बैलगाड़ी से जाता था तो मैं तो बैलगाड़ी से आऊंगा क्यों? अरे ऐसा होता रहा है, पूरे खानदान में हम बैलगाड़ी से जाते थे, तुम्हारे बाबा बैलगाड़ी से गए, उनके पापा बैलगाड़ी से गए, सब लोग बैलगाड़ी से गए, तुम भी बैलगाड़ी से जाओ, ऐसा करते क्या? जो बैलगाड़ी से जाएगा उसको क्या कहते हैं? तो पॉइंट है समझने वाला कि आप जिस समय में है उस समय परिस्थिति देश काल के हिसाब वो काम करना चाहिए, उसे कहते हैं सुमेध दशा। बोले आज एक मिनट क्या, एक सेकंड के दसवें भाग में आपका मैसेज यूं आपने लिखा और वहां ये दो ब्लू टिक, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे चंद्रयान में बैठा हो, कहीं भी हो, ये आपने लिखा और अगले सेकंड अब मतलब तुरंत के तुरंत दो ब्लू टिक कट कट आपको पता चल गया कि उसने मिला ही नहीं, पढ़ भी लिया, मिला ही नहीं है। मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि बादशाह वालों ने ऐसी फैसिलिटी क्यों डाली कि पढ़ भी लिया है, झगड़ा करवाते वो पढ़ लिया, ब्लू टिक आया था, पढ़ लिया तुमने, फिर भी रिप्लाई नहीं किया। तो आपके पास इतनी फैसिलिटी है पर आप कहते नहीं जी हम तो चिट्ठी डालेंगे, है ना, भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है, हम आशा करते हैं कि आप भी कुशल मंगल होंगे। आगे समाचार ये है, याद आ रहा है आप लोगों को? पता ही नहीं होगा, है ना, है? आपकी लाल वाली गाय के बछड़ा हुआ है, पिछली बार चिट्ठी में लिखा था, अब वो बछड़ी तो गाय बन गई है, है कि नहीं? याद है पुरानी घर की दीवार गिर गई है, है ना, सब है कि नहीं? तो अब जो आज भी वही सिस्टम फॉलो करते हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? मूर्ख। तो इसीलिए भगवान ने शास्त्र में पहले से दिया है कि आज के समय में भी कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई हम तो यज्ञ ही करेंगे, हम तो यज्ञ करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे। बोले हम जा रहे जंगल में तपस्या करने, वो गया जंगल में तपस्या कर रहा था, एक साल करी, अगले म्युनिसिपैलिटी वाले बोले तो बिक गया, चलो खाली करना जंगल कट रहा है। तो पॉइंट समझने वाला है कि कलयुग में और कोई साधन नहीं है सिवाय एक के, हरि नाम का कीर्तन। इसीलिए जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो कलयुग के जो जीव हैं, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है भागवतों का कंक्लूजन, है ना, ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के लोग ऐसे हैं, इनकी बुद्धि कम है, इनकी स्मृति कम है, इनका जीवन कम है, इनको कुछ समझता भी नहीं, कल क्या ब्रेकफास्ट में सब्जी खाई थी वो भी याद नहीं रहता, क्या खाया था देखो सुमेध सा, ठीक है नहीं? तो जब इनको इतना भी याद नहीं रहता तो ये लोग कैसे इतने बड़े बड़े वैदिक मंत्र याद करेंगे, है ना, हिंदी नहीं बोली जाती है तो नाम आजकल पूरे नाम नहीं रखना पा क्योंकि बोलने में इतनी दिक्कत है, तो नाम रखते छोटे छोटे। मेरे को किसी मेरे रिलेटिव का फोन आया, बोले ना हमारे यहाँ लड़का हुआ है उसका नाम रखा है फ्रेडी, मैंने कुत्ता के लड़का हुआ है कि घर में किसी का लड़का हुआ? बोले नहीं नहीं अपनी वहां वाली दीदी का लड़का हुआ, उनका नाम फ्रेडी रखा है। ऐसा हो गया। उधर एक बड़े दार्शनिक हुए कृष्ण मूर्ति करके कोई, तो एम्स्टर्डम में एक महिला रहती थी नीदरलैंड में, तो वो उसकी बुक पढ़ ली उस राइटर की, बड़े फिलोसफर है तो बड़ी प्रभावित हुई, तो उसने अपने कुत्ते का नाम रखा कृष्णा। किसके नाम से प्रभावित होके? उस दार्शनिक के नाम से, वो फिलोसफर के नाम से प्रभावित होके। तो एक दिन वो उसके जो हस्बैंड था उसकी ड्यूटी थी कि रोज कुत्ते को घुमा के लाओ, है ना, आजकल यही कल्चर है। हस्बैंड घर आया तो बोलते हैं कि नौकर को बोलते हस्बैंड को खाना खिला दो, क्यों मैं खुद तो खिला रही हूँ, तो वो कहता मेरे को खिला दो फर्क क्या बचा, है कि नहीं? तो वो एक दिन वो कुत्ता खो गया, कौन जिसका नाम क्या था, ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, है ना, रियल इंसिडेंट, मजाक नहीं था।
तो उसने अपनी उसकी वाइफ ने कहा उसको ढूंढ निकलाओ, किसको ढूंढ लाओ, कृष्णा को ढूंढ निकलाओ, अगर नहीं मिला तो तुम भी मत आना। तो बेचारा एम्स्टर्डम की सड़कों में रात के समय शाम के समय चिल्ला रहा, कृष्णा वेयर आर यू, कृष्णा वेयर आर यू, कृष्णा वेयर आर यू चिल्ला रहा था। अब इस्कान का उस समय बड़ा प्रचार था प्रभुपाद के समय, तो इस्कान के भक्त वहां पे किताब बांट रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा यार हमसे बड़ा तो ये भक्त है। एम्स्टर्डम के बारे में बता दूं, मैं जब आईटी में जॉब करता था तो मैं भी उसी शहर के लिए काम करता था, है ना, मैंने वहाँ के ट्रैफिक बनाए, ट्रैफिक सिग्नल सब उनका सॉफ्टवेयर। तो वो शहर को बोलते हैं माया का केंद्र, वहाँ पे माया माने आपको सोचना नहीं है, माया सब आपके लिए प्लान करके बस बस घर से बाहर निकलो बस सब कुछ अवेलेबल है। तो वो कहते हैं कि यार ऐसे शहर में दिन मतलब बिल्कुल रोड पे घूम के चिल्ला रहा है कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण के वियोग में कितना परेशान। तो उसके पास गए कि तुम कृष्ण को ढूंढ रहे, बोले हाँ, बोले हमें पता है कृष्ण कहाँ है, बोले अरे बताओ बताओ। तो उसको ले चलो, उसको बिठाया और ले गए मंदिर में, दरवाजा खोला, कहते देखो कृष्ण है। तो वो कहता है बोले मैं इस कृष्ण को नहीं ढूंढ रहा हूँ, बोले फिर कृष्ण को ढूंढ रहे, बोले मेरे कुत्ते के नाम कृष्ण है। बोले अरे यार ये तो गलत तीर लग गया। बोले चलो कोई नहीं, अब तो आप मंदिर आ गए, दर्शन कर लो, ये लो प्रसाद खाओ, ये लो गीता लो। तो उसने भी सोचा यार अब इतनी रात को वैसे भी पत्नी घुसने तो देगी नहीं, रात को ही रह जाता हूँ। तो उसने गीता पढ़ता रहा, रात को गीता पढ़ा, उसको इंटरेस्ट आ गया, ऐसा इंटरेस्ट आया आज की डेट में सन्यासी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नाम जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, आजकल लोग कुछ भी नाम रखते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि ऐसे लोगों का क्या होगा, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इनका उद्धार कैसे होगा। जो वैष्णव होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे, आप देख रहे हैं भागवत में यही प्रश्न कर रहे हैं लोग। अच्छा यहाँ पे नवयोगेंद्रों को और नी महाराज को क्या टेंशन है कि जीवों का उद्धार कैसे होगा, फिर पूछ रहे ना। तो उनको ये नारद जी ब्रह्मा से पूछे कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने बताया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये 16 सत्वों का महामंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को पुराणों को छान के सर्च करके बस एक ही चीज मिली है मुझे कलयुग के लोगों के लिए। सब वेदों को मैंने सर्च कर लिया, कौन कह रहा है, ब्रह्मा, उनको सब पता है, चारों सिर लगा के सारे वेदों को छान मारा और कहते हैं कि एक चीज मिली है, वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। यही एक मंत्र है जिससे कलयुग के जीवों का उद्धार हो सकता है। कलिसंत्रण उपनिषद में भी बताया, अनेक जगह ये बताया, तुलसीदास का आपने बताई दिया, हरे नाम हरे नामे व केवलम कलो नास्तेवा 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 गतिरन्यता। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक किताब है, आपको समझ में आ गया, मेरे पास कितनी किताब है, मतलब मेरे पास एक किताब ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि बात पे थोड़ा जोर ज्यादा है ना, ही लगाने से क्या हुआ। अब मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक ही किताब है, एक ही किताब है, एक ही किताब है, क्लियर हुआ कि नहीं। अभी मेरे पास कितनी किताब है, इसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास एक ही किताब है, एक ही किताब है, एक ही किताब है केवल। और बात बड़ी वजन बढ़ रहा है केवल लगाने, फिर मेरे पास एक ही किताब है, एक ही किताब है, एक ही किताब है केवल, और इसके अलावा दूसरी नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है। तो इससे ज्यादा और आप क्या बचोगे, कहां से आप, मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो एक हरेर नाम, एक हरी का नाम ही
हरि का नाम ही, हरि का नाम ही है केवल। कलयुग, कलयुग में नास्तैव नास्ति प्लस एव, नास्तैव नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है गतिरन्यथा, इसके अलावा। इसीलिए कहा है कि जो अब इतनी सी बात तो किसी को भी समझ में आ जाएगी, आगे की नहीं, लेकिन फिर भी कलयुग के लोगों को नहीं समझ में आएगी। इसलिए कहा है कि जो इतनी छोटी सी बात को समझ जाएगा उसको क्या बोला है, सुमेध दशा यजंति ही सुमेध दशा। तो जो सुमेध दशा है, जो बुद्धिमान है, वो समझेगा कि कलयुग में मुझे एक ही साधन है, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, एक ही साधन है हरे कृष्णा मंत्र। और रूप किसका है, जिसकी पूजा करनी है, गौरांग, वो युग अवतार है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, रंग कृष्ण का नहीं है, रंग कृष्ण का नहीं है। और जो विधि है वो क्या है, नाम कीर्तन। नाम क्या बताया उसको, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन को यज्ञ क्यों बोला गया है, यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में आहुति डाली जाती है, तो संकीर्तन में आप कौन सी आहुति डालना है, संकीर्तन में जैसे यज्ञ में एक यज्ञ कुंड होता है, ठीक है, तो वो यज्ञ कुंड है आपके कान, हमारे कान, ठीक है, फिर एक डंडा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, उससे ऐसे आहुति डालते हैं, स्वाहा, है नहीं, तो वो क्या है, हमारी जीवा, और वो जो घी वो क्या है, हरिनाम, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, हम अपनी जिह्वा रूपी उस स्पून से कान रूपी यज्ञ कुंड में हरि नाम की आहुति देते हैं, तो फिर लपटें निकलती हैं यज्ञ के आगे, फिर आग की लपटें निकलेंगी ना, तो वही लपटे हैं, आप देख लो सबके हाथ ऊपर उठ जाते हैं लपटों के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, संकीर्तन यज्ञ। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रंग काला क्यों नहीं है, गोरा क्यों है, इस पर जो है कल बताएंगे। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की प्रेम पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद सचिनंदन गौर हरि की नितायो प्रेम।